Very good morning, dear students. Students, today we will discuss 5 chapters of this book, GK book. Okay. First one is personalities. Great personalities कौन होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा काम किया है. महान लोग जिन्हें लोग याद रखते हैं उनके काम की वजह से, उन्होंने जो अपने लाइफ में काम किए हैं उनकी वजह से. Okay, following is the information about some of the world's greatest personalities. Identify them and write their names. हमें कुछ names दिए हुए हैं great personalities. उनके बारे में हम पढ़ेंगे. Okay. First one is he is a former professional basketball player. Basketball player है ये. ओलंपिक एथलीट हैं, एक्टिव बिजनेसमैन, बिजनेस भी करते हैं और एक्टर भी हैं. नाम क्या है का? फॉर्मर प्रोफेशनल बास्केटबॉलर, ओलंपिक एथलीट एंड एक्टिव बिजनेसमैन एंड एन Known as the man of peace. Peace मतलब शांति. हमने ऐसे इसमें भी ये वर्ड रीड किया है. Known as the man of peace, he is the Buddhist leader of religious officials of Tibetan Buddhism. जो थे उनके लीडर थे ये. मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है जो शांति बनाए रखने में विश्वास करते थे. He was awarded with the नोबल पीस प्राइज. उन्हें शांति पुरस्कार भी मिला है, नोबल पीस प्राइज में मिला है 1989 में फॉर हिज नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर द लिबरेशन ऑफ तिब्बत. तिब्बत को फ्री कराने के लिए, लिबरेशन होता है मुक्ति दिलाने के लिए, उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया? नॉन वायलेंट, अहिंसा का, लड़ाई झगड़े का नहीं, प्यार से उन्होंने अपनी बात आगे रखी और तिब्बत को फ्री कराया. उनका नाम क्या है? दलाई लामा. शायद आप लोगों ने सुना भी होगा. हिमाचल साइड अगर आप जाओ धर्मशाला में तो इनका बहुत बड़ा टेम्पल बना हुआ है. नेक्स्ट वन, थर्ड वन, इनकी पिक्चर से शायद आप लोगों को क्लियर हो जाए. रेफर टू एज द किंग ऑफ पॉप. आप सबने ये नाम सुना होगा. उन्हें किंग ऑफ पॉप, पॉप म्यूजिक का किंग, राजा कहा जाता था. दिस सिंगर हैज टच्ड पीपल विद हिज म्यूजिक वॉइस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेरियस कॉज. इन्होंने लोगों के दिलों को छू लिया, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया अपनी आवाज से, अपने म्यूजिक से. माइकल जैक्सन. नेक्स्ट फोर्थ वन, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. रिच लोगों में से जो बहुत रिच लोग हैं वर्ल्ड के, उनमें से एक ये भी हैं. ही इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ये सीईओ हैं. सीईओ मींस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. इनका नाम क्या है? बिल गेट्स. And the last one, he served as the president of South Africa from 1991 to 1999. ये जो हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे हैं 1991 से 1999 तक. He sacrificed 27 years of his life for struggle against apartheid and racism. इन्होंने अपने लाइफ के 27 इयर्स सेक्रीफाइस किए, बलिदान दे दिया, मतलब उन 27 इयर्स में इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया. किस चीज के अगेंस्ट? अपार्थिसाइड और रेसिज्म, मींस कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट.
ठीक है, कि कोई नीच जाति का नहीं होता, कोई अपर कास्ट का नहीं होता, सब एक जैसे हैं, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, तो हमें किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करनी है। उस टाइम में साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा था कास्ट सिस्टम, तो लोअर कास्ट के लोगों को बहुत कम उनके पास राइट्स हुआ करते थे, तो इन्होंने उनके लिए फाइट किया। ही ब्रीथ्ड हिज लास्ट ऑन 6 दिसंबर 2013। इनकी डेथ कब हुई, आखिरी सांस इन्होंने कब ली, December 6, 2013 में। सो दीज वर द ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट वी हैव रेड अबाउट माइकल जॉर्डन, सेकंड दलाई लामा, थर्ड वन माइकल जैक्सन, फोर्थ वन बिल गेट्स एंड फिफ्थ वन नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट इज कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। हमें कुछ कंट्रीज दी हुई हैं और उनके कैपिटल के लिए हिंट दिए हुए हैं। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, रीड द क्लूज, जो हमें क्लू दिए हुए हैं, एंड राइट द नेम ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स। हमें इनकी कैपिटल के नेम लिखने हैं। ओके, फर्स्ट वन इज चाइना। This city is famous for its tall structures and art and craft. ये सिटी किस लिए फेमस है, अपने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए। कैपिटल कौन सी है चाइना की, बीजिंग। ओके, आपको ये क्लूज अच्छे से पढ़ने हैं, इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपके पास यही क्लूज ही आएंगे पेपर में। सेकेंड वन इज The famous landmarks of this city are the Brandenburg Gate and the Wall. ये सिटी है जर्मनी, इसकी फेमस चीज क्या है, द फेमस लैंडमार्क ऑफ दिस सिटी। यहाँ पे मेन बिल्डिंग्स कौन सी हैं, जिसे ब्रैंडनबर्ग गेट की वजह से ये बहुत फेमस है सिटी, इसकी सॉरी कंट्री, इसकी कैपिटल कौन सी है, बर्लिन। चाइना की बीजिंग और जर्मनी की बर्लिन। थर्ड वन फ्रांस, शायद इसका हिंट देने की भी मुझे नीड नहीं है, आपको ये पिक्चर काफी स्टूडेंट्स को क्लियर होगी। इट्स मोस्ट फेमस अट्रैक्शन इज द आइफल टावर। इस कंट्री का मोस्ट फेमस अट्रैक्शन क्या है, लोग किस चीज के बारे में ज्यादा जानते हैं इस कंट्री के, आइफल टावर। और फ्रांस की कैपिटल सिटी कौन सी है, पेरिस। नेक्स्ट इज इजिप्ट। दिस सिटी इज फेमस फॉर द हैंगिंग चर्च, चर्च की देखो पिक्चर भी दी हुई है, एंड द बेबीलोन फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस क्या होते हैं, किले, बड़े बड़े किले बने हुए, जहां का मेन किला कौन सा है, बेबीलोन फोर्ट्रेस। और इसकी कैपिटल सिटी कौन सी है, कायरो। ओके, नेक्स्ट USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट इज नेम्ड आफ्टर जॉर्ज वाशिंगटन। इसका नाम, जो इसकी कैपिटल सिटी है, उसका नाम जॉर्ज वाशिंगटन के नाम से रखा गया, जो कौन थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जो USA के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जॉर्ज वाशिंगटन, उन्हीं के नाम से कैपिटल सिटी का नाम है वाशिंगटन डीसी। ओके, एंड द लास्ट वन यूनाइटेड किंगडम, जिसे यूके बोलते हैं, लोकेटेड ऑन रिवर थेम्स। रिवर थेम्स के पास ये लोकेट है। दिस प्लेस इज फेमस फॉर इट्स ट्रेडिशनल मॉन्यूमेंट। यहाँ पर मॉन्यूमेंट, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इंक्लूडिंग द बकिंगम पैलेस। बकिंगम महल जो है यहाँ का बहुत फेमस है। कहाँ का बकिंगम महल, लंदन। यूके की कैपिटल कौन सी है, लंदन। यस, चाइना की कैपिटल बीजिंग, जर्मनी बर्लिन, फ्रांस पेरिस, इजिप्ट कायरो, USA वाशिंगटन DC एंड यूनाइटेड किंगडम लंदन। आप ध्यान से सुनोगे बच्चे, लास्ट में अनम्यूट करा के आपसे पूछने वाली हूँ मैं। ओके, सो बी अटेंटिव।
Next is world famous artists. वर्ल्ड के फेमस आर्टिस्ट, जो प्रसिद्ध आर्टिस्ट हैं, जो जिन्होंने एक से एक पेंटिंग्स बनाई हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. उनकी पेंटिंग्स दी हुई हैं और हमें पहचानना है कि ये कौन से पेंटर ने बनाई है. हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ सम फेमस पेंटिंग्स बाय वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट. वर्ल्ड के फेमस आर्टिस्ट ने पेंटिंग्स बनाई हुई है. Guess the names of artists and write them in the space provided. Okay. First one, जो picture है, painting जो है, Monalisa. Monalisa की painting है ये. इसे बनाया किसने था? Leonardo da Vinci. आपके पास इसके options भी हैं clue box में. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Pablo Picasso, एडवर्ड हीक्स, एम एफ हुसैन एंड विंसेंट वैन गॉग. फर्स्ट जो पेंटिंग है मोनालिसा, मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो डा विंसी ने बनाई है. सेकंड, थ्री म्यूजिशियंस. म्यूजिशियंस कौन होते हैं? जो म्यूजिक प्ले करते हैं. ओके, संगीतकार जिसे बोलते हैं. थ्री म्यूजिशियंस, इस पेंटिंग को किसने बनाया है? पैब्लो पिकासो. पैब्लो पिकासो ने. नेक्स्ट, थर्ड वन, वीट फील्ड विद क्रोस. वीट फील्ड, गेहूं का खेत, विद क्रोस. क्रो क्या होते हैं? कौवा. इस पेंटिंग को किसने बनाया है? विंसेंट वैन गॉग. आपको ये लर्न करना होगा. ओके, नेक्स्ट, नोज आर्क. फोर्थ पेंटिंग इज नोज आर्क. इसे एडवर्ड हिक्स ने बनाया है. फिफ्थ पेंटिंग, पियटा. इसे बनाया है माइकल एंजेलो. एंड द लास्ट वन, द पपेट डांसर्स, एम एफ हुसैन है इसके पेंटर. ओके, आर्टिस्ट जो हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट वन इज मोनालिसा, इसके आर्टिस्ट हैं लियोनार्डो डा विंसी. सेकंड वन इज थ्री म्यूजिशियंस, इसके आर्टिस्ट कौन है? आपको देखो आर्टिस्ट की पिक्चर भी दी हुई है, पैब्लो पिकासो. थर्ड वन, वीट फील्ड विद क्रोस, विंसेंट वैन गॉग. नेक्स्ट वन, नोज आर्क, इसके आर्टिस्ट हैं एडवर्ड हिक्स. फिफ्थ वन, पियटा, माइकल एंजेलो. एंड द लास्ट वन, द पपेट डांसर्स. पपेट क्या होते हैं? कठपुतलियां. पपेट डांसर्स, ये पेंटिंग है एम एफ हुसैन की. यस, नेक्स्ट इज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, जो बढ़ चढ़कर पार्ट लेते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, बच्चों के लिए, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है या नहीं. हर तरह के, बहुत तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जो हेल्प करती हैं लोगों की. ओके, उनमें से कुछ हमें दी हुई हैं, हमें उन्हें पहचानना है. अ वॉलंटरी ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु एंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू एकम्प्लिश अ पर्पस. इनका एक पर्पस होता है कि ये लोग सर्व करेंगे लोगों की, अपनी कंट्री के लोगों के लिए. या कुछ यूनाइटेड स्टेट्स की भी हैं, यूनाइटेड नेशन की भी कुछ काउंसिल्स हैं, जो एजेंसीज हैं जो वो हेल्प करती हैं लोगों की, लाइक WHO. ठीक है, तो हम कुछ सिंबल्स हमें दिए हुए हैं, हमने उन सिंबल से पहचानना है. और उनकी एक्टिविटीज क्या क्या दी हुई है वो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट देखो आप, ये जो सिंबल है, फर्स्ट सिंबल इज ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन, आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए. इट वॉज क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946. इसे यूएन यूनाइटेड नेशन ने की जनरल असेंबली है. जो कब इसने कब बना था ये WHO को कब क्रिएट किया गया था, 11 दिसंबर 1946 में तब बनी थी ये. और तब से ये अपनी सर्विसेज दे रही है लोगों के लिए. इनकी एक्टिविटीज हैं क्या क्या काम करती है ये WHO? हेल्थ केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड पुअर कंट्रीज. जो कंट्रीज अभी डेवलप पूरी तरह से नहीं हुई हैं, उनके वहां गरीब लोगों की हेल्प करती हैं, और हेल्थ, उनकी हेल्थ की, बच्चों की हेल्थ की केयर करते हैं. एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, ये इनकी एक्टिविटीज हैं WHO की. और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क USA में. आपको इसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, मेन इसकी सर्विसेज पता होनी चाहिए, और सबसे मेन बात आपको इस सिंबल को सबसे पहले पहचानना है. अगर आप इस सिंबल को पहचानोगे तभी आप इसकी एक्टिविटीज देख पाओगे. ओके, दिस इज अ सिंबल ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, क्या एक्टिविटीज हैं इसकी, कब बना था ये WHO, ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? 11 दिसंबर 1946 में. ठीक है, पुअर लोगों की, पुअर कंट्रीज में ये हेल्प करती है लोगों की, उनकी हेल्थ की केयर करती है. नेक्स्ट, दिस इज यूनेस्को. ये सिंबल बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है UNESCO. आप इससे पहचान जाओगे. एंड द फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. यूनेस्को शॉर्ट फॉर्म है और फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ये भी यूएन की ही एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की. WHO भी यूएन की एजेंसी है और यूनेस्को भी यूएन यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, जो काम करती है लोगों के लिए. एक्टिविटीज क्या है? ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. जो मानव को, हम लोगों को, लोगों को जो अधिकार मिले हुए हैं उनकी देखरेख करना कि हमें वो अधिकार मिल भी रहे हैं या नहीं, कोई एक्सप्लॉयट तो नहीं कर रहा है. इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी, गरीबी को हटाना, मीन लोगों को काम दिलाना. फोकस ऑन एजुकेशन. एजुकेशन लोगों को मिल रही है या नहीं. साइंस एंड कल्चर, मतलब मेन उनका फोकस कहाँ रहता है? एजुकेशन, साइंस और कल्चर. लोगों को, बच्चों को प्रॉपर उन्हें एजुकेशन दी जा रही है या नहीं. सबको एजुकेशन लेने का राइट है, तो कहीं बच्चे जो हैं इस चीज से रह तो नहीं रहे कि ऐसा तो नहीं कि उन्हें आप कई बार देखते हो छोटे छोटे बच्चे काम पे लग जाते हैं, ठीक है, किसी शॉप पे लग जाते हैं, पढ़ते नहीं है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते. तो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, ये ऐसे बच्चों की हेल्प करती हैं. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में. ओके, नेक्स्ट सिंबल UNDP. देखो इसमें लिखा हुआ है, जहां आपको कुछ वर्ड्स नजर आएंगे ना, वो सिंबल आपके लिए पहचानना और सिंपल हो जाएगा. एंड द फुल फॉर्म इज द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशंस, डी फॉर डेवलपमेंट एंड पी फॉर प्रोग्राम. द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क. ये हर जगह ये जो एजेंसी है काम करती है. एक्टिविटीज क्या है इसकी? फोकस ऑन एजुकेशन. अगेन ये भी एजुकेशन पे, शिक्षा पे ध्यान देते हैं. एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम मिल रहा है या नहीं. हेल्थ इश्यूज लाइक एड्स एंड मदर एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन. लोगों को ठीक से, मदर को, बच्चे को खाना ठीक से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. तो इस तरह की एक्टिविटीज है इनकी. और इसके हेडक्वार्टर UNDP, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क USA में. आपको सबके हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए. नेक्स्ट, ICRC.
आपको इसमें देखो बीच में प्लस का साइन नजर आ रहा है रेड कलर से, रेड क्रॉस। इसका फुल फॉर्म क्या है? दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनजीओ। एनजीओ क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट की नहीं होती है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, फुल फॉर्म देखो, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर कमेटी, आर फॉर रेड, सी फॉर क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। इसकी एक्टिविटीज क्या है, क्या काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन? प्रोटेक्ट द विक्टिम्स, प्रिजनर्स एंड सिविलियंस ऑफ द वॉर, जो जिन्हें वॉर में युद्ध करते हुए, कोई फाइट करते हुए, जैसे किसी को चोट लग जाती है, जो नागरिक हैं, किसी भी प्रकार के कोई विक्टिम है जिन्हें कोई नुकसान पहुंचाया जाता है, उन्हें हर्ट किया जाता है, जिन्हें अचानक से कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, कहीं फ्लड आ गए कहीं, तो वहां पर कुछ ऐसा हुआ, तो वहां के लोगों की देख रेख जो है ये रेड क्रॉस। आपने टीवी में भी कई बार इसके बारे में सुना होगा कि जो ये कमेटी, रेड क्रॉस की जो कमेटी होती है, ये साथ के साथ वहां पहुंच जाते हैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। कहीं भूकंप आ गया, जैसे मैं नेचुरल डिजास्टर्स बोल रही थी, ये नेचुरल डिजास्टर ही है। कहीं अर्थक्वेक आ गया, उससे बहुत नुकसान हुआ, कई बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, लोग फंस जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्प करती है। ओके, फ्लड में लोग कहीं फंस गए, ठीक है, उन्हें सेव करने में, उन्हें प्रोटेक्ट करने में, ये सब काम कौन करती है? ICRC, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। एंड द लास्ट वन, CRY, चाइल्ड राइट्स एंड यू। सी फॉर चाइल्ड, आर फॉर राइट्स, वाई फॉर यू, चाइल्ड राइट्स एंड यू। इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1979 बाय रिपन कपूर। इस ऑर्गेनाइजेशन, ये कब एस्टेब्लिश हुई? 1979 में। इसे किसने एस्टेब्लिश किया? रिपन कपूर ने। एक्टिविटीज क्या है इसकी, क्या काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन? रिस्टोरिंग बेसिक राइट्स टू चिल्ड्रन लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अब्यूज एंड निग्लेक्ट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये बच्चों के राइट्स के लिए काम करती है। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा कि बच्चों को एजुकेशन लेने का राइट है, उनकी प्रॉपर हेल्थ केयर, हेल्थ का ध्यान रखा जाना, उन्हें प्रॉपर खाना मिल रहा है या नहीं, जैसे गरीब बच्चे होते हैं उन लोगों के लिए, और उन्हें निग्लेक्ट तो नहीं किया जा रहा, अब्यूज, उन्हें एक्सप्लॉयट तो नहीं किया जा रहा, छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा दिया जाए, उनकी पढ़ाई छुड़वा के, इन सब चीजों का काफी हद तक ध्यान कौन रखता है? ये CRY, चाइल्ड राइट्स एंड यू। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई, इंडिया में। ओके, एक बार फिर से मैं आपको ये सिंबल्स शो कर रही हूँ। दिस इज अ सिंबल ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बाकी सब में बेटे देखो, आपको लेटर्स नजर आ रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म नजर आ रही है, तो उस शॉर्ट फॉर्म से फुल फॉर्म आप इजीली बना सकते हो, आप उस सिंबल को पहचान सकते हो। सिर्फ एक WHO का आपको ध्यान में रखना है। थर्ड वन, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। फोर्थ वन, ICRC, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। एंड द लास्ट वन, CRY, चाइल्ड राइट्स एंड यू। लास्ट वन फॉर टुडे, सिंबॉलिक वर्ड्स। थोड़े से इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है, इसमें आप खुद भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक बार मैं आपको बता रही हूँ, लास्ट में आपको अभी अनम्यूट करेंगे तो फिर आपसे पूछेंगे। समटाइम्स द नेम्स ऑफ एनिमल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर ह्यूमन क्वालिटी। ह्यूमन क्वालिटी को
बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कई बार हम एनिमल्स के नेम यूज करते हैं. हियर इज अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स एंड क्वालिटी दैट दे सिंबलाइज. मैच कॉलम ए विद कॉलम बी टू आइडेंटिफाई दीज सिंबलिक वर्ड्स. फर्स्ट वन इज, देखो क्या दिया हुआ है बच्चे, एस, और इसे मैच हमने किससे किया हुआ है, स्टूपिडिटी, मूर्खता. एस होता है गधा. जब किसी को गुस्सा आता है ना, कोई गलत काम करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, गधा है क्या. ठीक है, तो किस लिए, स्टूपिडिटी के लिए. ह्यूमन कौन सी क्वालिटी, उसकी स्टूपिडिटी. सेकंड इज बुल. बुल को हमने मैच किया हुआ है स्ट्रेंथ. बुल शो करता है, क्या शो करता है, ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमंस की स्ट्रेंथ को शो करता है. थर्ड वन इज हेयर, खरगोश जिसे बोलते हैं, और इसे मैच किया है थर्ड वन, टिमिडिटी. टिमिडिटी मतलब जिसे आप बोल सकते हो कोवार्डाइस, और कायर जिसे बोल सकते हो डरपोक. अगर कोई डरपोक है, ये भी एक तरह की किसी की ह्यूमन के बारे में बताया गया, तो उसके लिए कौन से एनिमल को यूज किया जाता है, उसके हेयर वर्ड यूज किया जाता है उसके लिए. पीकॉक, पीकॉक किसी कौन सी ह्यूमन क्वालिटी को शो करता है. फोर्थ वन प्राइड, गर्व, क्योंकि बहुत सुंदर होता है पीकॉक, उसे अपनी ब्यूटी पे प्राउड होता है, तो ह्यूमन क्वालिटी कौन सी उसके साथ हम मैच करेंगे, प्राइड. फिफ्थ वन फॉक्स. फॉक्स सबको पता है फॉक्स क्या होता है, उसे किसके साथ शो करना है, मैच करना है हमने, कनिंग. कनिंग मतलब चालाक, फॉक्स बहुत चालाक होती है ना. सिक्स्थ वन लॉयन. लॉयन को आप मैच करोगे नोबल करेज, उसकी वीरता के लिए, बहुत बहादुर होता है लॉयन. कहते हैं ना कभी कभी, ये तो शेर पुत्र है, शेर वर्ड यूज करते हैं. सेवंथ मंकी. मंकी को किसके लिए, सेवंथ हम मैच करेंगे ट्रिक्स, जो चलाकियां चलता है. एट्थ वन डव. डव एक स्मॉल बर्ड होता है, कभी डव सॉप देखा है, उस पे छोटा सा बर्ड बना हुआ होता है, इसे आप मैच करोगे इनोसेंस. होर्स, इन वन होल, होर्स को किससे मैच करेंगे, उसी ह्यूमन होते हैं, मैच के साथ बोलते हैं इस मैच, ब्लाइंड. इलेवेंथ पार्ट वुल्फ. वुल्फ को क्या बोलते हैं हिंदी में, भेड़िया. वुल्फ को आप किससे मैच करोगे, कौन से ह्यूमन क्वालिटी के साथ, क्रुएलिटी. क्रुएलिटी मतलब अनकाइंड. ट्वेल्थ इज ऑक्स. ऑक्स को किससे मैच करेंगे हम, कौन सी क्वालिटी, पेशेंस. ऑक्स में बहुत पेशेंस होती है, उसे जितना मर्जी काम कराओ वो कभी कुछ नहीं कहता. नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल, 13th. इसे मैच करेंगे हिपोक्रेसी. हिपोक्रेसी क्या होता है बेटा, पाखंड, ढोंग. जैसे बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, मतलब सच्ची में आंसू नहीं आ रहे, फालतू में दिखा रहे हैं, तो उसे किससे मैच करेंगे हम, हिपोक्रेसी के साथ. सर्पेंट, सर्पेंट एक तरह से सांप होता है, और इसे मैच किससे करेंगे, विजडम के साथ. ह्यूमन क्वालिटी कौन सी, विजडम. नेक्स्ट 15th इज टाइगर. टाइगर को मैच करेंगे हम फिरोसिटी.
अगेन वही क्रूअल अनकाइंड जिसे बोल सकते हो. एंड द लास्ट वन एलिफेंट 16th. एलिफेंट को आप सजेसिटी मीन बुद्धिमता विजडम अगेन. ओके यस डियर स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट दीज फाइव चैप्टर्स. If you want to ask something, you have 2 to 3 minutes. You can ask. Raise your hands if you want to.